नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है कि आप हमारा थंबनेल देखकर ही हमारे इस वीडियो पर आए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो थंबनेल के अंदर जो मैंने बताया है कि इन टोकन को हम बाय करें या नहीं करें, क्या हम ये प्रॉफिट देंगे या नहीं देंगे, उन सभी के बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा। तो वीडियो को भाई कम्प्लीट देखना है, वीडियो को कम्प्लीट देख लोगे ना तो आपका सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी क्या है कि संतोषी एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है और यहाँ पर जो ओजी टोकन का हम विड्रॉल अभी ले रहे हैं। विड्रॉल आपको अगर इसके अंदर लिंक नहीं किया ना एड्रेस को, लिंक कर लेना। और इसके अंदर एक और कन्फ्यूजन यहाँ पर आई हुई है कि यहाँ पर दोस्तों हम ओजी टोकन के अंदर कौन सा एड्रेस दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक तो हमारा मेटामास्क हो गया और दूसरा हो गया OEX वॉलेट हमारा, जो ये दोनों है ये Web3 के है, और यहाँ पर जो ट्रस्ट वॉलेट है वो Web2 का, ठीक है। तो आपका क्या है कि जब से ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हर एड्रेस आपको अलग मिलता है। जैसे बिटकॉइन का एड्रेस अलग हो गया क्योंकि वो Web2 का है, और यहाँ पर Web3 के टोकन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक ही एड्रेस होता है और वही एड्रेस सभी के अंदर यूज होता है, चाहे कोर ब्लॉकचेन हो, चाहे कोई भी हो, बाइनेंस हो या कोई भी हो, उसी के अंदर दोस्तों यहाँ पर हमारा जो Web3 का जो वॉलेट है मेटामास्क, उसका यहाँ पर जो एड्रेस है उसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी क्या है कि भाई इसके अंदर अगर आपने नहीं किया ना लिंक, तो लिंक कर लेना, ठीक है। पूरी जानकारी देखिए मैंने पिछली वीडियो के अंदर दी है, इससे पिछली वीडियो देख लेना आप, और या फिर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी क्या करना है कि अभी चलते हैं हम अपना जो OEX है, OEX के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं OEX का हमने Web3 जो वॉलेट है वो हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो इसके बाद आपने क्या करना है इसके अंदर, इसके अंदर क्या है कि दोस्तों सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर AGX के अंदर दोस्तों यहाँ पर जाएंगे हब के अंदर, और यहाँ पर आप माइनिंग यहाँ पर स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों मेननेट के अंदर यहाँ पर जो माइनिंग है वो हो रही है अभी, ठीक है। यहाँ पर कोर मैननेट के अंदर यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अभी क्या है कि लॉन्ग टेस्ट नेट है, मतलब इसका जो OEX है इसका अभी कोई भी यहाँ पर मैननेट नहीं आया, ठीक है, अभी तक ऐड नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर ऐड हो जाएगा आप ऊपर आप देख सकते हो OEX, ठीक है, OEX मैननेट अभी तक ऐड नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पर अभी एक नाम यहाँ पर दिया गया, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर टोकन बाय करें या नहीं करें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं हर प्रोजेक्ट के अंदर यही कहता हूँ, जितना आप यहाँ पर लॉस सह सकते हैं उतना ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जैसे मैंने टोकन के अंदर यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर 2 से 3 कोर हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो यहाँ पर आप जितना चाहे उतना कर सकते हो। देखिए भाई मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने रिसर्च के आधार पर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में रिसर्च कीजिए। सबसे पहले आप सभी को पता कि कॉम टोकन आया था, कॉम टोकन के अंदर दोस्तों लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया है और प्रॉफिट भी यहाँ से निकाला है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर अभी क्या है कि बोट टोकन आ गया, याद टोकन आ गया, पंप टोकन आ गया, वैन टोकन आ गया, इस तरह के ये 4 से 5 टोकन आ गए हैं। और आने वाले समय के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो OEX के ऊपर यहाँ पर लिस्ट होंगे। इसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन तो बनाई नहीं गई कि भाई यहाँ पर स्कैम नहीं हो सकता आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो अभी क्या है कि यहाँ पर बोट टोकन है, या टोकन पंप टोकन है, वैन टोकन या कॉम टोकन भी हो, ठीक है। कॉम टोकन सबसे पहले आया था, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया। अभी क्या है कि ये जो टोकन आए हैं इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो आपने क्या करना कि रिसर्च करना इनके बारे में, जो भी ये टोकन इनके बारे में रिसर्च करना, कैसा ये प्रोजेक्ट है उसके बारे में रिसर्च करना। अपने रिसर्च के आधार पर ही अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों मैंने कॉम टोकन के अंदर मैंने वैसे ही इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ पर 2 से 3 कोर हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा नुकसान भी हो जाता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बोट टोकन है, बोट टोकन देखिए नया टोकन आया, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है इतनी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना रिसर्च कर लीजिएगा सबसे पहले, तब जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। देखिए मैं तो यही कहूँगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप जितना नुकसान सह सकते हो, जैसे आपके पास $10 है, $5 है, जितना भी आप करना चाहते हो, ठीक है, 2 कोर 3 कोर जितना का भी आप बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, अच्छी बात है, ठीक है। मतलब उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जितना आप यहाँ पर लॉस सह सकते हो। अगर आपका लॉस हो जाता तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज़ में, या टोकन हो गया या पंप टोकन हो गया। देखिए इसकी अगर हो सकता है अगर ये जेन्युइन निकल जाते हैं,
ये प्रोजेक्ट जेनियस निकल जाते हैं, लीजिट निकल जाते हैं, तो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको होगा। आज खोने के लिए आपके पास 5 से 10 डॉलर है, लेकिन आने वाले समय के अंदर आपको हज़ारों डॉलर का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, हो सकता है ऐसा, क्योंकि दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट अच्छे निकल जाते हैं, क्योंकि ये सब आपने रिसर्च करना है, इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करेंगे तब जानकर आपको जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, कंप्लीट जानकारी तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर आपने बाय करना है तो कर सकते हो, इसके लिए हम मना नहीं करते, मगर सबसे पहले आपने रिसर्च करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अच्छे प्रॉफिट भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आ रहा था कि इन टोकन को बाय करें या नहीं करें। ठीक है, और ओजी टोकन के अंदर अगर आपने वॉलेट को लिंक नहीं किया है तो ओजी टोकन के अंदर वॉलेट को लिंक ज़रूर से करें। ठीक है, ताकि आपको भी जानकारी मिलती जाए इसके बारे में। ठीक है, और जैसे मैंने बता रखा है वीडियो के अंदर भी, मैंने बता रखा है कैसे आपने लिंक करना है, लाइव मैंने करके बता रखा है, उस तरह से आपने ही भी लिंक करना है। ठीक है, और लिंक करने के बाद जैसे यहाँ पर कोई अपडेट आता है तो आपको बता देंगे। और OEX का दोस्तों जो विड्रॉल है अभी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 मई के बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पर OEX का जो विड्रॉल है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों जानकारी कैसी लगे भाई कमेंट करके आपने ज़रूर से बता देना है। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।